नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बिना कार्य कराए निकाली राशि, सरपंच सचिव किया शासकीय राशि का बंदरबांट। यूं तो जांजगीर चांपा जिले के जयजयपुर ब्लॉक में तमाम तरह के भ्रष्टाचार करने के मामले सामने आते रहते हैं, वहीं ब्लॉक मुख्यालय में बैठे जिम्मेदार अधिकारी तमाम तरह की भ्रष्टाचार को अंजाम देने ग्राम पंचायतों को खुली छूट दे दी है। शायद यही वजह है कि अब सरपंच सचिव मिलकर कागजों में ही शासकीय कार्यों को पूर्ण दिखाकर राशि आहरण कर शासकीय राशि में बंदरबांट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला जयजयपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत पिसोद का है, जहां शासकीय प्राथमिक शाला परिसर में समतलीकरण के नाम पर 1,89,000 रुपये अगस्त 2021 लगभग 8 माह पूर्व कार्य पूर्ण दिखाकर सरपंच सचिव ने राशि आहरण कर लिया है, जबकि प्राथमिक शाला परिसर का समतलीकरण करना तो दूर, वहां मौके पर एक पीप मुरुम भी नहीं डाला गया है। लोगों से पूछने पर यह बात भी सामने आई है कि उस परिसर में 4-5 सालों से मुरुम मिट्टी से कोई समतलीकरण नहीं हुआ है। जांच की जाए तो ग्राम पंचायत पिसोद में कई शासकीय योजनाओं को बिना कार्य कराए ही सरपंच सचिव द्वारा शासकीय राशि में बंदरबांट करने का मामला सामने आ सकता है। वहीं अब मामला मीडिया के आने के बाद सरपंच सचिव कार्य करने की बात कह रहे हैं। रितेश साहू की रिपोर्ट। सर, आपका नाम बताएंगे? हाँ, मेरा नाम हेमनाथ डहलिया है। किस स्कूल में आप? मैं शासकीय प्राथमिक शाला पिसौद में पदस्थ हूँ। सर, शासकीय प्राथमिक शाला जो पिसौद है, वहाँ समतलीकरण होने की बात सामने आई है, आपकी जानकारी में है क्या कब समतलीकरण हुआ है? इसके बारे में तो मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं है ना सर, न ही यहाँ कोई समतलीकरण किसी प्रकार से हुआ भी नहीं है अभी तक, न मुझे जानकारी है न स्कूल में किसी प्रकार से कोई सर स्टाफ को भी जानकारी नहीं बारे से। ओके, ये स्कूल में समतलीकरण हो है का? जाना था आप लोग? हाँ, बराबर हो है, बराबर नहीं। मुरुम मिट्टी वगैरह यहाँ एको साल पाटे सरपंच है। मर तो जाना तो पता है नहीं अभी। कै साल ले आप काम करा था यहाँ? 4-5 साल हो से नहीं गुरु। 4-5 साल हो गए, उतका दिन में एको बार यहाँ मुरुम मिट्टी नहीं पटा है? नहीं पटा। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।